काबिले एहतराम बुजुर्गों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ की बड़ियाई व बुजुर्गी हमदो सना उस वहदहु खालिके कायनात मालिके अर्दो समावात के लिए है, जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, राजिक है। बादा हो दरुद व सलाम का बेशुमार फूल निछावर हो अल्लाह के तमाम बरगुजीदा पैगंबरों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाजिरीन मोहतरम, आज के इस खुतबे जुमा में मैं आप हाजरीन के सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वह है तौहीद की अहमियत व फजीलत। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मौला करीम मुझे हक और सच कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाजरीन मोहतरम, सामईन व सामियात, तौहीद हम और आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तौहीद बहुत ही वसीय मौजू है। मुख्तसर से वक्त में इस तौहीद को समझाना नामुमकिन है। जितना वक्त है इसी वक्त में हम तौहीद की अहमियत और फजीलत पर आपके सामने कुछ गुफ्तगू करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि तौहीद किस कदर अहम है। तौहीद ये दीन इस्लाम की बुनियाद है। जिस दीन के हम और आप पैरोकार हैं, जिस मजहब के हम और आप मानने वाले हैं, उसकी बुनियाद पांच चीज़ों पर है। उनमें से पहली चीज़ तौहीद है। तो मालूम हुआ सबसे पहली चीज़ के तौहीद जो है ये दीन इस्लाम की बुनियाद है। तौहीद वह सबसे पहला फ़र्ज है जिसका इकरार करना और दिलो जान से कबूल करना हर मुसलमान पर लाजिम है। तौहीद ही वह चीज़ है जिसके बगैर कोई भी इंसान, कोई भी शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता है। तौहीद ही वह चीज़ है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। जो लोगों को गैरुल्लाह की बंदगी से निकाल कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ लगाया। तौहीद ही वह चीज़ है जो मुसलमान और काफिरों के दरमियान फ़र्क करती है। तौहीद ही वह चीज़ है जिसके लिए मुसलमानों ने
अपने जानों को कुर्बान किया, जामे शहादत को नौश किया। तौहीद ही वह चीज़ है जिसके लिए आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके मानने वाले सहाबाए कराम ने इसी तौहीद के परचम को बुलंद करने के लिए, इसी तौहीद को फैलाने के लिए, इसी तौहीद को दुनिया वालों को बताने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और प्यारे नबी के सहाबा ने बेशुमार मेहनतें की, मुसीबतें उठाई, अजियतें बर्दाश्त की इसी तौहीद के खातिर। इसी तौहीद के खातिर अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा ने अपने बच्चों को यतीम किया था। इसी तौहीद के खातिर सहाबा कराम ने अपनी बीवी को बेवा किया था। इसी तौहीद के खातिर सहाबा कराम ने अपने मादरी वतन को खैरबाद कहा था। हाजरीन मुहतरम, ये तौहीद यूं ही नहीं शुरू हुई जमीन पर। तौहीद ही वह चीज है जो मुसलमान और काफिरों के दरमियान एक आर और दीवार हायल करती है। तौहीद ही वह चीज है कि अगर इसे कमा हक़ कबूल कर लिया जाए, इस तौहीद के तकाजे को पूरा कर दिया जाए और इसी पर इस शख्स की मौत आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है। यानी अगर कोई शख्स दिल से तौहीद को कबूल कर लिया और तौहीद के तमाम तकाजे को पूरा किया और इसी तौहीद पर उस शख्स की मौत आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वह शख्स जन्नती है और अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। लेकिन अगर इसी तौहीद को कबूल न किया जाए और इसके तकाजे को पूरा न किया जाए और उसी पर उस शख्स की तौहीद के बगैर मौत आती है तो उसके लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम करार दिया है। मोहतरम सामईन व सामियात, जब इंसान की नजात, इंसान की कामयाबी और कामरानी के लिए तौहीद इस कदर अहम है कि तौहीद के बगैर न तो नजात मिल सकती है, तौहीद के बगैर न तो जन्नत मिल सकती है, तौहीद के बगैर न तो कोई अमल कबूल हो सकता है, तौहीद के बगैर न दुनिया के अंदर कामयाबी है न आखरत के अंदर कामयाबी है। तो आइए, जब इंसान की नजात, कामयाबी और कामरानी के लिए तौहीद इस कदर अहम है तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, ये मालूम करते हैं कि तौहीद नाम किसका है, तौहीद किसे कहते हैं। अल्लामा जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीफात के अंदर तौहीद की तारीफ करते हुए कहते हैं, अत्तौहीदु सलासतु अशिया। अत्तौहीदु सलासतु अशिया, जहन नशीन कर लीजिए कि तौहीद किसे कहते हैं, क्योंकि हम और आपने तौहीद के बारे में बारह खिताब सुना होगा, लेकिन समझने की कोशिश ये कीजिए कि तौहीद है क्या चीज, तौहीद नाम है किसका। तो अल्लामा जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तौहीद की तारीफ करते हुए कहते हैं, तौहीद सलासतु अशिया, के तौहीद तीन चीजों का नाम है। मारिफतुल्लाह बिर रुबूबियत, अल्लाह की रुबूबियत की मारिफत, वल इकरार बिल वहदानियत, और अल्लाह की वहदानियत का इकरार, व नफ्युल अंदाद मिनहु जुमलतन, और अल्लाह के अलावा तमाम माबूदाने बातिला की नफी करना, इसी का नाम तौहीद है। तौहीद समझ गए कि अल्लाह की रुबूबियत की पहचान, अल्लाह की वहदानियत का इकरार और अल्लाह के अलावा तमाम माबूदाने बातिला की नफी करना, इसी का नाम तौहीद है। इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह और आसान मफहूम में तौहीद की तारीफ यूं बयान करते हैं, अत्तौहीद हुवा इफ़रादुल्लाहि तआला बिल इबादा। तौहीद नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके इबादत के अंदर अकेला समझना, इसी का नाम तौहीद है। यानी खालिस अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की इबादत करना, इसी का नाम तौहीद है। आइए देखते हैं कि शरीयत की नज़र में तौहीद किसे कहते हैं। शरीयत की नज़र में तौहीद नाम है कि अल्लाह के हुकूक अकेले अल्लाह को दे दिया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा एक होता है हुकूकुल्लाह और दूसरा होता है हुकूकुल इबाद। तो तौहीद नाम ही उस चीज़ का है कि अल्लाह के हुकूक अकेले अल्लाह को दे दिया जाए, इसी का नाम तौहीद है। और अल्लाह के हुकूक क्या है, अल्लाह के तीन हुकूक हैं, अल्लाह के तीन हुकूक हैं। रुबूबियत का हक अल्लाह को दे दिया जाए, रुबूबियत का हक अल्लाह को दे दिया जाए, इबादत का हक अल्लाह को दे दिया जाए, अस्माओ सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अस्मा व सिफात में अल्लाह को यकता तसव्वुर किया जाए, इसी का नाम तौहीद है।
अगर नहीं समझिए तो आसान मफहूम ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का हक अल्लाह को दे दिया जाए, यानी कायनात के लोग हर चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालिक जान ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक जान ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दाता समझ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझ ले, इसी का नाम तौहीद है। रुबूबियत का हक अल्लाह को दे दिया जाए। इस कायनात का खालिक कौन है, इस कायनात का मालिक कौन है, इस कायनात का पालनहार कौन है? अगर आप किसी से सवाल कीजिए तो कहेगा एक अल्लाह है। तो ये हक अल्लाह का है कि उसी को दे दिया जाए, समझ लिया जाए। इबादत का हक अल्लाह को दे दिया जाए, यानी तमाम किस्म की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, इसी का नाम तौहीद है। नमाज खालिस अल्लाह के लिए पढ़ी जाए, सजदा खालिस अल्लाह के लिए की जाए, रोजा खालिस अल्लाह के लिए रखा जाए, नजर व नियाज अल्लाह के लिए किया जाए। हाजिरीन मोहतरम, ये तमाम चीज अल्लाह के लिए खास कर किया जाना, इसी का नाम तौहीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अस्माओ सिफात है, जो कुरान मजीद के अंदर और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर बयान किया है, उस अस्माओ सिफात में अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता मानना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है। हाजिरीन मोहतरम, तो तौहीद इस कदर अहम है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी अंबिया और रसूल को इस रूए जमीन पर भेजा, मबऊस फरमाया, सब ने अपनी कौमों को कौन सी दावत दी, उनकी दावत का आगाज किस चीज से हुआ, आइए देखते हैं। तौहीद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की खैर व भलाई के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए जितने भी अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को इस रूए जमीन पर भेजा, नाजिल किया, सब ने अपने कौमों को तौहीद की दावत दी, सब ने अपनी कौमों को तौहीद की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, अपने कौमों को शिर्क से खुराफात से बचाकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया है। उठाइए कुरान मजीद, सूरा आराफ सूरा नंबर 7 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره। देखिए कि इस रूए जमीन पर जो सबसे पहले रसूल आए, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उम्मत को बताया है कि नूह अलैहिस्सलाम इस रूए जमीन के सबसे पहले रसूल है। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम भी इस रूए जमीन पर आए तो किस चीज की दावत दी अपनी कौम को, अपनी कौम को किस चीज की दावत से अपनी कौम को आगाह किया, बुलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, लकद अरसलना नूहन इला कौमिही, कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा। फकाल या कौमि अब्दुल्लाह, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वाले को, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को खिताब करके कहा, फकाल या कौमि अब्दुल्लाह, कह मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उठाइए कुरान मजीद सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौल को नकल किया है कि हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को जो खिताब किया वह यही खिताब था, या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, कि ऐ मेरे कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की परस्तिश करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा आराफ आयत नंबर 73 के अंदर जिक्र फरमाया है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के लोगों को कहा, या कौमे अब्दुल्लाह, क्या मेरे कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौमों को इन्हीं अल्फाज से मुखातब किया, या कौमे अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, क्या मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। देखा आपने, जितने भी अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम इस रूए जमीन पर आए, सबकी दावत का आगाज एक ही था, सब ने कौम को एक ही चीज की तरफ बुलाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा इस रूए जमीन पर कोई माबूद नहीं है। सूरह यूसुफ को उठा के देख लीजिए, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39-40 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने के अंदर थे, जेल के अंदर
कैद हो गए थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कैद के साथियों को जिस चीज की तरफ दावत दिया था वो यही तौहीद की दावत थी। आखिर तौहीद इतना अहम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने के अंदर है, जेल के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने कैदी साथियों को कह रहे हैं, या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन मिल्लाहुल वाहिदुल कहार। जरा गौर कीजिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जेल खाने में कैदी साथियों को तौहीद किस तरह बता रहे हैं, तौहीद किस तरह समझा रहे हैं। आज उम्मत मुस्लिमा को उससे दर्स लेना चाहिए, उससे सबक हासिल करना चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कैदी बनकर जेल खाने के अंदर है और वहां तौहीद का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को तौहीद की दावत दे रहे हैं, मुशरिकों को तौहीद बता रहे हैं, काफिरों को तौहीद समझा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुले में नहीं, जेल खाने के अंदर कह रहे, या साहिब सिजनी। देखिए अंदाज किया था, अंदाज किया था तौहीद बताने का, तौहीद समझाने का। देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस तबलीग को, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद रहकर कैदी बनते हुए अपने कैदी साथियों को तौहीद जो बता रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, या साहिब सिजनी, ए मेरे कैदी साथियों, तुम भी कैदी हो, मैं भी कैदी हूं, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन मिल्लाहुल वाहिदुल कहार। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, तुम ही बताओ, क्या कई खुदा बेहतर हो सकते हैं, क्या कई माबूद बेहतर हो सकते हैं, या एक अल्लाह जो हर चीज पर गालिब है वो बेहतर है, तुम ही बताओ। उन मुशरिकों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुशरिको, ऐ कैद खाने के साथियों, जरा तुम ही बताओ कि कई माबूद दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर बेहतर है, या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। मा ताबुदून मिन दूनिही, ऐ मेरे कैदी साथियों सुन लो, मा ताबुदून मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा जिनकी भी तुम पूजा करते हो, जिनकी भी तुम इबादत करते हो, इल्ला आसमान समैतुमुहा, उसका नाम खुद तुमने रख लिया है, तुमने गढ़ लिया है, उन माबूदों को तुमने नाम दे दिया है और तुम उसकी पूजा, उसकी इबादत शुरू कर दिए हो। इल्ला आसमान समैतुमुहा मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है कि तुम इसकी इबादत करो। अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करो, और यही दुरुस्त दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद के अंदर भी, कैद होकर भी तौहीद बता रहे हैं कुफार को, मुशरिकीन को, लेकिन आज उम्मत के लोगों को खुद तौहीद समझ में नहीं आया है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, जिंदगी के अंदर थोड़ा मुश्किलात आ जाता है, तो अल्लाह की इबादत को छोड़कर, अल्लाह की उबूबत को छोड़कर गैरों के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। हाजरीन मोहतरम, चंद अंबियाए कराम की बतौर मिसाल मैंने आपके सामने पेश किया है, वरना तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की यही दावत थी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 25 के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन कबलिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। क्या नबी, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल इस दुनिया के अंदर भेजे, प्यारे नबी को खिताब है कि प्यारे नबी, आपसे पहले जितने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम इस रूए जमीन पर आए, हमने तमाम की तरफ यही वही की कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हाजरीन मोहतरम, देखिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जिंदगी कौम को तौहीद की दावत देते रहे, तौहीद समझाते रहे, तौहीद की तरफ बुलाते रहे, और इसी हकीकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरा नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 36 के अंदर बयान फरमाया है, वलकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो और गैरुल्लाह की इबादत से बचो। देखिए कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नबियों ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी,
और सारे नबियों की जो दावत थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दावत का खुलासा कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है कि तमाम नबी की एक ही दावत थी, वो दावत तौहीद थी, दावत इल्लाह थी, लोगों को गैरुल्लाह की बंदगी से निकाल कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ लगाना था। और आप देख लीजिए खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कौम को सबसे पहले तौहीद की दावत दी वो कौम गैरुल्लाह की पूजा करने में मशगूल थी, वो बुतों को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझती थी, वो बुतों से मोहब्बत करती थी, वो बुतों के लिए नजरो नियाज करती थी। मैं किसकी बात बता रहा हूँ? कायनात के इमाम जो मुशरिकीन मक्का के सामने आए तो प्यारे नबी मुशरिकीन को जो सबसे पहले जिस अंदाज से दावत दिया था वो कहा था कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु। कभी आपने गौर किया है कि पूरे मक्का बुत परस्ती में डूबी हुई थी, प्यारे नबी को अल्लाह ने जिस कौम के लिए रसूल बनाकर भेजा था वो गैरों की पूजा करने में मशहूर थी, लेकिन ऐसे लोगों के सामने प्यारे नबी ने जो अपनी दावत का आगाज किया, अपनी दावत का शुरुआत किया तो कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, के लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो इससे मालूम हुआ कामयाबी होने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, नजात पाने के लिए कलमा को अदा करना जरूरी है, ईमान पर कायम रहना जरूरी है, क्योंकि प्यारे नबी ने जिस कौम को दावत दी वो इसी अंदाज से दिया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, के लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और कामयाब हो जाओगे, क्योंकि ईमान का आगाज ही तौहीद से होता है। अगर कोई शख्स ईमान वाला बनना चाहता है, अगर कोई शख्स तौहीद परस्त बनना चाहता है, अगर कोई शख्स मुसलमान बनना चाहता है तो उस ईमान की आगाज ही तौहीद से होती है। आइए बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की वह हदीस उठा के देख लीजिए, रावी हदीस हजरत मुसीब रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी कायनात के इमाम के चचा अबू तालिब का वफात का वक्त था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबू उमैया पहले से मौजूद है, यानी कायनात के इमाम के सबसे चहेते चचा अबू तालिब वफात मरजुल मौत में मुबतला है। कायनात के इमाम प्यारे नबी वहां पर पहुंचे तो देखा कि अबू जहल और अब्दुल्लाह इब्ने उमैया मेरे चचा के पास पहले से मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के पास जाकर जिस चीज की दावत दी वो यही दावत थी, ये पहली दावत नहीं थी। प्यारे नबी जिंदगी भर चचा को दावत देते रहे, लेकिन आखिरी वक्त है, प्यारे नबी का चचा मरजुल मौत में मुबतला है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लका बिहा। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि ऐ मेरे चचा जान, आप इस कलमे को इकरार कर लीजिए, क्योंकि इस कलमे की बदौलत मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपका शिफात करूंगा, आपके बारे में सिफारिश करूंगा। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालात में भी चचा को तौहीद बता रहे हैं, चचा को तौहीद को कबूल करने के और नजात हासिल करने का एक जरिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को बताया, लेकिन अबू जहल और अब्दुल्लाह इब्ने अबी उमैया ने कहा कि अबू तालिब, तुम आखिरी उम्र में, आखिरी हालात में, आखिरी लम्हे में अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब को दीन को छोड़ना चाहते हो। बार बार वो लोग ये कह रहे हैं और अल्लाह के प्यारे नबी बार बार कह रहे या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कह मेरे चचा जान आप कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लीजिए, क्योंकि एक ऐसा कलमा है जिसकी वजह से मैं अल्लाह के पास आपके लिए सिफारिश करूंगा। आखिरकार प्यारे नबी बार बार कहते रहे, लेकिन आखिरकार अबू तालिब ने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर कायम हूँ और इसी हालत में उसकी वफात हो जाती है। हाजरीन मोहतरम, देखिए कामयाबी के लिए, जन्नत पाने के लिए, नजात के लिए कलमा तौहीद किस कदर अहम है, कलमा तौहीद को दिलो जान से इकरार करना कितना अहम है, आपको इस हदीस रसूल से अंदाजा हो गया हो। हाजरीन मोहतरम,
आइए देखते हैं कि तौहीद किस कदर अहम है। तौहीद इतना अहम है कि औफ इब्ने मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, तिर्मिजी के अंदर भी यह हदीस है, औफ इब्ने मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि मेरे रब की तरफ से मेरे पास एक आने वाला आया, मेरे पास एक फरिश्ता आया और मुझे इख्तियार दिया कि मैं इस चीज पर राजी हो जाऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मती में से आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल करेगा, या मैं सिफारिश को इख्तियार करूं, शिफात को इख्तियार करूं। तो अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि मैं इस चीज पर राजी नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत को, मेरी उम्मत के आधी लोगों को जन्नत में दाखिल करे, मैं तो इस चीज को कबूल किया कि कयामत के दिन मैं शिफात करूं और हर वो आदमी मेरी शिफात का हकदार होगा जिसने दिल के यकीन के साथ, एतिकाद के साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया होगा और उसको तकाजे को पूरा किया होगा, वो शख्स कयामत के दिन मेरी शिफात का हकदार होगा। ये तौहीद की इतनी अहमियत है। अब आइए देखते हैं कि तौहीद की फजीलत क्या है। तौहीद की फजीलत इतनी बड़ी फजीलत है कि हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। देखिए तौहीद कितना अहम है, तौहीद की फजीलत इतनी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी अजीम फजीलत है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी के पास आया और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो वाजिब करने वाली चीज कौन सी है, यानी एक ऐसी चीज बताइए जो जन्नत वाजिब कर दे, दूसरी ऐसी चीज बताइए जो जहन्नम वाजिब कर दे। सहाबी रसूल का सवाल देखिए। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी के पास आने के बाद उस शख्स ने पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो वाजिब करने वाली चीज मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन मात ला युशरिक बिल्लाहि शैयन दखल अल जन्नत व मन मात युशरिक बिल्लाहि शैयन दखल अल नार, कि जो शख्स इस हाल में मरा कि वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया तो वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिस शख्स की मौत इस हालत में आई, जो शख्स इस हालत में मरा कि वह अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करता था, प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि उस पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो जहन्नम में जाएगा। तो तौहीद की वजह से जन्नत वाजिब हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मुस्नद अहमद की वो रवायत उठा के देख लीजिए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुमसे पहली उम्मत में एक शख्स ऐसा था जो एक नेकी भी नहीं किया था। पहले उम्मती में एक शख्स ऐसा था जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक नेकी भी नहीं की थी, लेकिन था तौहीद परस्त, जिंदगी में कभी शिर्क नहीं किया था, एक नेकी भी नहीं किया था, तौहीद परस्त था, जिंदगी में कभी शिर्क नहीं किया था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब उसने, उसका मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने घर वालों को कहा कि देखो मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला के राख कर देना, जब मेरा जिस्म कोयला हो जाए तो उसे पीस देना। बाज रिवायत के अंदर आया है कि उस शख्स ने कहा कि आधी राख को समुंदरों के हवाले कर देना, आधी राख को हवाओं के हवाले कर देना। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि जब वो शख्स मरा तो उसके घर वालों ने, उसके अहलो आयाल ने ऐसा ही किया, उसके मरने के बाद उसके जिस्म को जला दिया, उसके कोयले को पीस दिया गया और हवाओं में उड़ा दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर कुदरत पाई, यानी आखरत के दिन उसे उठाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेगा, या प्यारे नबी ने कहा जब अल्लाह ने उस पर कुदरत पाई तो उससे पूछा कि ऐ इब्ने आदम, तुमने ऐसा क्यों किया था, यानी तुमने अपने घर वालों को ऐसी नसीहत क्यों की थी कि मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, राख को हवाओं के हवाले, समुंदरों के हवाले कर देना, ऐसा क्यों किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा तो बंदा जवाब देगा कि अल्लाह मेरी, मैं तेरी डर की वजह से ऐसा किया था। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देगा, उसकी गुनाहों को माफ कर देगा, उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आप देखिए कि एक तौहीद परस्त ऐसा था जिसकी जिंदगी में एक भी नेकी नहीं थी, प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि तौहीद बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है।
तौहीद की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नत में दाखिल किया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक भी नेक अमल नहीं था। तौहीद की और मज़ीद फजीलत देखना है तो मुस्लिम शरीफ की वो हदीस उठा के देख लीजिए। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था। देखिए तौहीद इंसान की जिंदगी में कितनी फजीलत रखती है, तौहीद इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के प्यारे नबी के साथ बैठा हुआ था। हमारे साथ हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो भी थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो भी साथ थे। फिर अचानक क्या हुआ, वहां से अल्लाह के प्यारे नबी उठ के चले गए, क्योंकि हम लोग प्यारे नबी के साथ बैठे थे। रावी हदीस अबू हुरैरा बयान करते हैं कि वो प्यारे नबी के साथ हम बैठे हुए थे और मेरे साथ अबू बकर भी और हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी थे। अचानक अल्लाह के प्यारे नबी उस मजलिस से उठकर चले गए। काफी देर तक प्यारे नबी जब वापस नहीं आए तो मैंने सोचा कि शायद किसी दुश्मन ने आपको इंतकाम लेने की गर्ज से, आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से घेर ना लिया हो। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हम लोग परेशान होकर उठ खड़े हुए और मैं पहला आदमी था। रावी हदीस बयान करते हैं अबू हुरैरा कि मैं पहला शख्स था जो प्यारे नबी की तलाश में घबरा कर निकला। प्यारे नबी की तलाश करते करते मैं बनो नजार के बाग के पास पहुंच गया। तौहीद की फजीलत देखिए, इस हदीस रसूल के अंदर बयान किया गया है कि अगर किसी के दिल के अंदर, किसी के जिंदगी के अंदर खालिस तौहीद है, उसने अपनी जिंदगी के अंदर शिर्क को दाखिल नहीं किया, तो इस हदीस रसूल में तौहीद परस्त की फजीलत देखिए। रावी हदीस अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं प्यारे नबी को तलाश करते करते एक बाग के करीब पहुंचा, वो बनो नजार का बाग था। बनू नजार के बाग के पास मैं पहुंचा तो मैं बाग के चारों तरफ चक्कर लगाया, मुझे बाग के अंदर दाखिल होने का रास्ता कहीं से दिखाई नहीं दिया। अबू हुरैरा बयान करते हैं अचानक मेरी नजर बाग के अंदर जाने वाला पानी का एक तंग रास्ता था, जो दीवार के नीचे से पानी बाग के अंदर जा रहा था। अबू हुरैरा रावी हदीस बयान करते हैं कि उसी तंग रास्ते से मैं बाग के अंदर दाखिल हो गया। बाग के अंदर जाने के बाद मुझे अल्लाह के प्यारे नबी आका मदनी से मुलाकात हुई। प्यारे नबी ने पूछा अबू हुरैरा यहाँ कैसे आए। मैंने सारा वाकया सुनाया कि अल्लाह के प्यारे नबी आप हमारे साथ मजलिस में बैठे हुए थे, आप अचानक वहां से उठ के चले गए, काफी देर तक आप जब वापस पलट के नहीं आए तो मुझे अंदेशा हुआ कि किसी दुश्मन ने आपको बदला लेने के लिए, किसी दुश्मन ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए घेर ना लिया हो। अल्लाह के प्यारे नबी हम घबरा कर हम सब निकले, मैं पहला शख्स था जो आपकी तलाश करते करते यहाँ पहुंचा और लोग भी मेरे पीछे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा और लोग भी मेरे पीछे हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि इतनी बात हुई कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना जूता मुझे दे दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी दोनों जूतियां मुझे अता कर दी और कहा इज़हब बिनालै कि लो मेरे दोनों जूतियां लेकर बाग से बाहर जाओ और जो भी शख्स तुम्हें ऐसा मिले जो दिल के यकीन के साथ इस बात का इकरार करता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, अबू हुरैरा तुम उसे जन्नत की बशारत सुना दे। देखिए तौहीद परस्त के लिए जन्नत की बशारत प्यारे नबी दुनिया में भेजकर अबू हुरैरा के जरिए कहा कि अबू हुरैरा ये मेरी जूतियां लो और बाग के बाहर जो भी शख्स तुम्हें मिले और जो शख्स ऐसा हो कि दिल के यकीन के साथ ये कहता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, अबू हुरैरा तुम उसे जन्नत की बशारत सुना देना। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं प्यारे नबी के जूतियां को लेकर बाग से बाहर निकला। जब मैं बाग से बाहर गया तो मुझे सबसे पहले जो मेरी मुलाकात हुई वो उमर इब्ने खत्ताब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उमर इब्ने खत्ताब को कहा कि प्यारे नबी की जूतियां हैं, प्यारे नबी ने बतौर निशानी मुझे अता किया है और कहा है कि जाओ इस बाग के बाहर जो भी शख्स इस दीवार के उस पार तुम्हें मिले और वो गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तुम उसे जन्नत की बशारत सुना देना। इतना सुनना था, हजरत अबू हुरैरा ने इतना कहा, उमर इब्ने खत्ताब ने हजरत अबू हुरैरा के सीने पर मारा, हाथ मारा, अबू हुरैरा पीछे गिर गए, चित गिर गए। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हजरत उमर ने मेरे सीने पर हाथ मारा, मैं पीछे गिर गया, मैं उठा शदीद रो रहा था, मुझे इतनी दर्द हुई, मैं इतना रोते हुए उठा और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि प्यारे नबी के पास जाकर मैंने सारा वाकया सुनाया।
कि मैंने ऐसा ऐसा किया है तो मुझे हजरत उमर इब्न खत्ताब ने मेरे सीने पर मारा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उमर इब्न खत्ताब से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने अबू हुरैरा को क्यों मारा। अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबी हजरत उमर इब्न खत्ताब बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी, मेरी माँ बाप कुर्बान हो, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए क्या आपने अबू हुरैरा को अपना जूता अता किया था। प्यारे नबी ने कहा हाँ, अबू हुरैरा को मैंने अपना जूतिया दिया था। फिर हजरत उमर ने कहा कि आप ही ने कहा था कि जन्नत की बशारत सुना दो उस शख्स को जो कलमा तौहीद का इकरार करता हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि हाँ, मैंने अबू हुरैरा को कहा था कि जो शख्स कलमा तौहीद का इकरार करता हो उसे जन्नत की बशारत सुना दो। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी, आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि लोग कलमा तौहीद पर भरोसा करके अमल करना छोड़ देंगे। लोग समझ जाएंगे कि सिर्फ तौहीद की वजह से जन्नत मिल रही है, लोग अमल करना छोड़ देंगे, इसलिए आप उन्हें अमल करने दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया कि ठीक है, चलो उनको अमल करने दो। तो इस हदीस रसूल से इस बात का सबूत मिलता है कि तौहीद की इतनी बड़ी फजीलत है कि इंसान की जिंदगी में अगर नेकियां भी ना रही, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिस तौहीद की वजह से तौहीद परस्त बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। तौहीद, कलमा तौहीद की दूसरी फजीलत मैं आपके सामने बताना चाहता हूं ताकि हम और आप अपनी तौहीद की हिफाजत कर लें। ऐसे लोगों के पास जाकर अपनी ईमान और अपनी तौहीद का सौदा ना करें जो इंसान की जिंदगी को शिर्क में मुब्तला कर देता है, इंसान के अमलों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए तौहीद की फजीलत को समझिए, अपनी ईमान की, अपनी दीन की हिफाजत कीजिए। आइए दूसरी हदीस तौहीद की फजीलत में सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर हदीस के रावी है, बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूकात के सामने, दुनिया के तमाम लोगों के सामने मेरी उम्मत के एक शख्स को पुकारा जाएगा। तौहीद की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन, कयामत के दिन तमाम मखलूकात के सामने प्यारे नबी की उम्मत को, यानी उम्मत मोहम्मदिया में से एक शख्स को पुकारा जाएगा और उसके सामने, हदीस के अल्फाज है, 99 रजिस्टर गुनाहों के खोल के रख दिए जाएंगे। देखिए, जिसने तौहीद की हिफाजत की, ईमान को बचा के इस दुनिया से गया, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि देखो वो शख्स जन्नत में कैसे दाखिल होता है। इस हदीस रसूल पर आप गौर कर लीजिए। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर बयान करते हैं कि प्यारे नबी ने कहा दुनिया के तमाम मखलूकात के सामने उम्मत मोहम्मदिया को एक शख्स को कयामत के दिन बुलाया जाएगा और उसके सामने 99 रजिस्टर अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों के खोल के रख देगा। फिर उस बंदे से पूछेगा कि देखो इसमें जो तुम्हारा बुराइयां लिखी हुई है, क्या तुम इन बुराइयों का इनकार करते हो? वो शख्स कहेगा कि नहीं है मेरे रब, मैंने गुनाह जितने भी दुनिया के अंदर किए हैं, जितने भी अमल मैंने किया है, सारे इस रजिस्टर के अंदर दर्ज है। अल्लाह पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई उज्र है या कोई नेकी है जो आज मुझे दिखाकर आज तुम नजात पालो? वो बंदा डरता हुआ कहेगा, डरता हुआ समझता हुआ कहेगा कि अल्लाह मेरे पास कोई उज्र भी नहीं है, मेरे पास कोई नेकी भी नहीं है जिसको देकर मैं जन्नत हासिल कर लूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा कि आज तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वो बंदा तौहीद परस्त था लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारी गुनाह तो किया था लेकिन शिर्क नहीं किया था। 99 रजिस्टर गुनाह का भरा हुआ है और रजिस्टर इतनी छोटी नहीं है। हदीस के अल्फाज है कि बंदे की निगाह जितना लंबा है उतनी बड़ी एक रजिस्टर था। फिर भी अल्लाह पूछा कि तमाम को देख लो कि कहीं तो मेरे कातिबों ने, किरामन कातिबीन ने तो ऐसी चीज नहीं लिख दी जिसको तुमने नहीं किया था दुनिया के अंदर। वो बंदा कहेगा नहीं अल्लाह, जो जो चीज मैंने किया था, जिस वक्त किया था, वो सारे इस रजिस्टर के अंदर, इस दफाते के अंदर दर्ज है। फिर अल्लाह पूछेगा तो लाओ तुम्हारे पास कोई उज्र है तो बच जाओ, कोई नेकी है तो आज मुझे देकर बच जाओ। वो बंदा डरता हुआ कहेगा कि अल्लाह मेरे पास कोई उज्र भी नहीं है, कोई नेकी भी नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा आज तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर उसके लिए एक कार्ड निकाला जाएगा, हदीस के अल्फाज है बेताका, कि उस बंदे के लिए एक बेताका, एक चिट्ठी निकाली जाएगी और उस पर कलमा तौहीद लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब उस बंदे के लिए वो चिट्ठी निकाला जाएगा
वो बंदा देखकर परेशान हो जाएगा और कहेगा कि अल्लाह ये 99 रजिस्टरों के सामने में ये चिट्ठी कुछ भी नहीं है, यानी उसको तौला जाएगा। तराजू के एक पलड़े पर उस बंदे की 99 गुनाह के दफातर रखे जाएंगे और उस बंदे ने जो दुनिया के अंदर तौहीद को महफूज किया था, दुनिया के अंदर तौहीद को बचाया था, अपनी जिंदगी के अंदर शिर्क को दाखिल नहीं किया था, जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी यही नेकी को कयामत के दिन बचाकर एक कार्ड की शक्ल में लाएगा और उसके गुनाहों को तराजू के एक पल्ले पर उस दफातर को रखेगा और वो जो कार्ड है जिस बेताका पर कलमे तौहीद लिखा हुआ होगा उसको तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि जिस पलरे पर वो कार्ड रखा जाएगा वो पलरा भारी हो जाएगा, यानी वो इतनी तौहीद की इतनी अहमियत होगी कि वो पलरा वजनी हो जाएगा सिर्फ एक कार्ड रखने की वजह से, और 99 गुनाह के जो दफातर थे रजिस्टर थे वो काफी थी वो हल्की पड़ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को भी जन्नत में दाखिल करेगा। तो देखिए जिसने इस दुनिया के अंदर तौहीद को बचाया, ईमान को महफूज किया, हर हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ही एतमाद रखा और भरोसा रखा, तो ऐसा शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है। हाजरीन मोहतरम, तो तौहीद की अहमियत थी, ये फजीलत थी जो मैंने आपके सामने बयान किया है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से के बारे आलमीन हम तमाम मुसलमानों को तौहीद को समझने उस पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए, हमें जब तक जिंदा रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान पर इस्लाम पर जिंदा रखे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर खात्मा हो। आमीन वाफिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।